राहुल गांधी के हम शक्ल फैसल चौधरी से खास बातचीत। मेरठ के सोदंत गांव निवासी हैं डुप्लीकेट राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे डुप्लीकेट राहुल गांधी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हैं डुप्लीकेट राहुल गांधी। राहुल गांधी के हमशक्ल फैसल चौधरी से खास बातचीत। मेरठ के सोदंत गांव निवासी हैं डुप्लीकेट राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे डुप्लीकेट राहुल गांधी। सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हैं डुप्लीकेट राहुल गांधी। मेरठ के सोदंत गांव निवासी हैं डुप्लीकेट राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे डुप्लीकेट राहुल गांधी। सुर्खियां बटोर रहे हैं डुप्लीकेट राहुल गांधी। इस खबर पर हमारे संवाददाता राजन सोनकर हमसे जुड़ेंगे। राजन, राहुल गांधी के हम शक्ल इस समय काफी सुर्खियों का विषय बने हुए हैं। जी मयूरी, मैं आपको बता दूं, मेरठ के किला परिषद गढ़ के सोनदत्त गांव के रहने वाले हैं फैजल चौधरी, और इस समय राहुल गांधी के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि उनकी हम शक्ल है बिल्कुल, और उनकी कदकाठी है बिल्कुल, सफेद टी शर्ट में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। ये हमारे साथ में फैजल चौधरी है जो इस वक्त राहुल गांधी के नाम से जाने जाते हैं, पूरा गाँव ने राहुल गांधी से जानता है, और यहाँ तक की अब ये सुर्खियां बटोर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे लगातार ये चर्चाओं पे है। भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हैं और भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ में चल रहे थे, हम इनसे जानते हैं। आप ये बताइए, राहुल गांधी के जैसे दिखते हैं, क्या सोच के आपने राहुल गांधी के जैसा अपना शक्ल बना रखे? देखिए, राहुल गांधी जी से पहले से मेरी शक्ल मिलती जुलती है और उनकी जैसे मेरी दाढ़ी फेस कट सब कुछ उन्हीं के जैसा होता है, पहले से ऐसा बोलते हैं मुझे, 1.5 साल से लोग राहुल गांधी बोलते हैं मुझे, और इसीलिए मैंने यात्रा में जुड़ने से पहले सोचा कि जब राहुल गांधी जी की तरह लगता हूँ मैं, क्यों ना उनकी तरह एक मैं टी शर्ट पहन लूं, तो मैंने फिर टी शर्ट पहन ली, उसके बाद मेरी वीडियो वायरल हुई। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं तो क्या समर्थन करते हैं भारत जोड़ो यात्रा, क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा सफल होने वाली है? जी, मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा फर्ज बनता है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर कि मैं भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करूँ, और जो लोग इसका समर्थन में नहीं करते हैं, ये दूसरी पार्टी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि सभी लोग उस पार्टी से जुड़े हैं, सॉरी इस यात्रा से जुड़े और इस यात्रा का समर्थन करें। ये यात्रा किसी पार्टी लेवल पे नहीं है, ये यात्रा आम जनता के लिए है, किसानों के लिए है, बेरोजगारी के मुद्दे के लिए है और इस देश की नफरत को खत्म करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। फैजल भाई, राहुल गांधी जी ने भी सफेद टी शर्ट पहन रखी है, वो भी हाफ, इतनी सर्दी हो रही है, आपने भी सफेद टी शर्ट पहन रखी है वो भी हाफ, क्या ठंड वंड नहीं लगती क्या? नहीं, मुझे ठंड महसूस नहीं होती। देखो, राहुल गांधी जी तो एक तपस्वी कहा जाए उन्हें तो उनके लिए सही रहेगा, क्योंकि जो इंसान एक किसी कठिन काम को रेगुलर करता हो, रोजाना करता हो, तो उसे तपस्वी का रूप दे दिया जाता है, तपस्वी से माना जाता है, तो राहुल गांधी जी तो एक तपस्वी हैं। और रही बात मेरी, मैं तो एक किसान का बेटा हूँ, छोटा सा किसान हूँ एक, तो मैं तो रात दिन खेतों में काम करता हूँ, रात को पानी पे जाता हूँ, दिन में वैसे गन्ना वन्ना छोलते हैं तो रात दिन काम में रहता है, तो मैं तो ठंड में, गर्मी में, बरसात में मैं काम करने की रहने की आदत है। लोगों का क्या कहना है, आपने आप हम शक्ल बने हुए हैं राहुल गांधी के, लोग क्या कहते हैं इस पर? लोग इस पर बहुत चर्चा करते हैं, मेरे पूरे क्षेत्र में इस बात की चर्चा होती है कि हमारे क्षेत्र में भी राहुल गांधी जी का टू कॉपी है, और लोग मुझे राहुल गांधी जी कहकर बुलाते हैं, कभी कोई छोटा राहुल कहता है, कभी कोई राहुल गांधी जी कहता है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे ओरिजिनल नाम से बुलाते हैं। राहुल गांधी का गेटअप आपने बना लिया है, उनके हम शक्ल हो, कितना समर्थन मिल रहा है लोगों का? लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है इस पे, मेरे पास लड़के और जगह से भी मिलने आते हैं, आसपास के गांवों से मिलने पर मेरे पास आते हैं, मेरे साथ फोटो खिंचाते हैं, वीडियो बनाते हैं, जब मैं कहीं पे जाता हूँ तो एक तरह से मेरे पास भीड़ इकट्ठी हो जाती है फोटो खिंचवाने के लिए। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं? जी, सबसे पहले तो मैं दिल्ली में यात्रा में शामिल हुआ था, तब
बदरपुर बॉर्डर से यात्रा निकल रही थी, मैं तब यात्रा में शामिल हुआ था। और उसके बाद 3 तारीख को गाजियाबाद से मैं शामिल हुआ था, जो लोनी होते हुए फिर शामली की साइड यात्रा गुजरी थी। मैं वहां से उच्च गांव एक पड़ता है, वहां से यात्रा से वापस आ गया था। कुछ मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी, सोचे वापस आ गया। क्या राहुल गांधी से मुलाकात हुई आपकी कभी? नहीं, मैं राहुल गांधी से मुलाकात कभी नहीं हुई, लेकिन उनसे मुलाकात करने की इच्छा जाहिर करता हूँ मैं, उनसे मिलने की तमन्ना है मेरी। अगर मुलाकात होती है तो क्या कहेंगे? देखो जी, कहने के ऊपर बात यह है, पता नहीं क्या सिचुएशन होगी, क्या घड़ी होगी, तो कहा नहीं जा सकता कि हम क्या बोलेंगे उस टाइम। वो तो टाइम बताएगा क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। कितने कार्यकर्ताओं को लेकर गए थे अपने साथ में? मेरे साथ तकरीबन 60-65 लोग थे जो मेरे साथ गए थे, और उन सभी के, अगर कोई यकीन न माने, उन सभी का फोटोज भी मेरे पास है, जो मैं बस लेके गया था, 2 बस लेके गया था मैं, तो सभी के फोटोज मेरे पास है। ये देखिए मयूरी, ये राहुल गांधी के हम शक्लें हैं, जिनका नाम फैजल चौधरी है, मेरठ के रहने वाले हैं, और राहुल गांधी से भले ही मुलाकात नहीं हो, लेकिन राहुल गांधी को अपना आदर्श मानते हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और लोगों को कांग्रेस से जोड़ने का जो है बात कह रहे हैं। जी जी धन्यवाद राजन, तमाम जानकारियों के लिए।